बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मार्च में। नमस्कार बच्चों, आज जर्नल एंट्री का फोर्थ लेक्चर है। आज मैं डायग्राम से सब कुछ चीजें बताऊंगा। आज मैं आपको डायग्राम से पीछे बताऊंगा ट्रेडिशनल अप्रोच की, कैसे बना ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, मैंने परसों तीन अकाउंट बताए थे, तीन अकाउंट के मैंने आपको एग्जाम बताए थे। बच्चों मैंने पर्सनल अकाउंट के मैंने आइटम बताए थे आपको। देखिए ना, एक चीज और नोट कर लो, पर्सनल अकाउंट में अलग मार्कर से लिखता हूं मैं, असेस्ड लायबिलिटीज और कैपिटल, और यहां पर ऑलवेज असेस्ड, ऑलवेज असेस्ड रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में किससे संबंधित होता है? सर जी, इनकम से और एक्सपेंसेस से। यहां पर क्या आएंगे? इनकम और एक्सपेंसेस आएंगे यहां पर, और सारी असेस्ड आएंगी। यहां पर तीन चीज आएंगी, असेस भी आ सकती है, लाइब्रेरी भी आ सकती है और कैपिटल भी आ सकती है पर्सनल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, सब बता लिया आपने, मैं आगे चलता हूं। अब चलिए, अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग तक समझाऊंगा। चलिए, मेरा पहला चीज है, डू यू नो। डू यू नो का मतलब है क्या आप जानते हो? आज पर्सनल, रियल और नॉमिनल की मैं आपको आज पीएचडी कराऊंगा। ठीक है, देखिए पीपीटी के द्वारा, डू यू नो डेबिट वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड। बच्चे पूछते हैं सर जी, ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, जैसे साइन क्या होता है, थीटा क्या होता है, पाई का सूत्र क्या है, 22/7, कोई इसका लॉजिक है? बस होता है, रूल है। ऐसे यहां पर है सर, ये चीज कहां से आई, डेबिट और क्रेडिट? सर ये इंडिया का वर्ड तो है नहीं, इंडिया का वर्ड होता तो राम और रहीम होता, विदेशों में नाम ऐसे होते हैं, थॉमसन वही नाम रख दिए उन्होंने। डेबिट वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम इटालियन वर्ड डेबिटो, एंड अकाउंट हैज टू पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड और आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड आर कॉल्ड डेबिट आइटम। कहता है जब मैं आपको आगे सिखाऊंगा जर्नल से, मैं लेजर सिखाऊंगा तो इसके टू पार्ट्स होंगे। बच्चों कितने पार्ट होंगे? दो। कहता है एन अकाउंट है टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स है, इसके दो पार्ट्स है, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, आइटम रिकॉर्डेड ऑन द दिस साइड आर कॉल्ड डेबिट आइटम, क्रेडिट वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ए इटालियन वर्ड क्रेडिटो, कहां से लिया गया, डेबिटो और क्रेडिटो। सर जी डेबिट में तो आप दिखाते हो डीआर, यहां तो कहीं भी नहीं है डेबिट में, डीआर ही नहीं है, डीईबीआईटी किससे बना, डेबिटो से। जैसे आप क्या होता है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हो तो वेरी इंपॉर्टेंट को ध्यान देगा बच्चों, तो हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे यहां पर ये मत कहो जी यहां पर डीआर नहीं आया, कहीं आप यहां पर वर्ड में डेबिट में कहीं भी आर नहीं आया, आप लिखवाते हो डेबिट शॉर्ट में।
क्रेडिट में समझ में आता है, क्रेडिट वर्ड है तो सी आर आ गया, क्रेडिट सी आर। तो क्रेडिट वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम इटालियन वर्ड, इट इज राइट हैंड साइड साइड। कहां लिखा जाएगा? राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। जैसे बच्चों ये होता है, मैं आगे सिखाऊंगा आपको, आपको लेजर सिखाऊंगा। लेजर की बात आ गई शुरू में, मैंने आपका धीरे धीरे अकाउंट बढ़ती जाएगी, आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये साइड होता है डेबिट और ये साइड होता है क्रेडिट। समझ में आ रही है? तो वही लिखाया है डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूंगा? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट डेबिट, और राइट हैंड साइड में क्या लिखूंगा? क्रेडिट। ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। दिस इज द लेफ्ट और दिस इज द राइट। राइट में क्रेडिट और डेबिट। इस सब बातें बेटा मैं आपको लेजर में सिखाऊंगा, अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं। डू यू नो का मतलब क्या आप जानते हैं? आपका जानना जरूरी है, तो जानकारी दे रहा हूँ भविष्य की। जो 15 लेक्चर के बाद सिखाऊंगा मैं आपको लेजर, जनरल एंट्री क्या बनेगा लेजर, बाद में जनरल एंट्री के बाद सिखाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, फिर सिखाऊंगा लेजर, आप चिंता ना करो। ठीक है, ये सब सिखा दिया। ये वर्ड समझ में आ गया, क्रेडिटो इटालियन वर्ड है। क्या ये इटालियन वर्ड है? डेबिट और क्रेडिट। और इंडिया में अकाउंट बनी होती किसी की, कॉपी की हमने इटली की, ठीक है। आगे लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। मैं ऐसे कॉपी ऐसे रखूंगा अपनी, तो ये राइट हैंड साइड क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट। तो कह रहा है इसकी विशेषताएं क्या है डेबिट की या क्रेडिट की, एग्जाम में पूछेगा नहीं थ्योरी में, लेकिन मेरा ड्यूटी है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। अकाउंट में कुछ भी चीज छुपाऊं नहीं, वही एक सच्चा टीचर होता है, वही एक सच्चा मित्र होता है जो आप उससे कुछ भी नहीं छुपाता। ठीक है बच्चों, डेबिट एंड क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज ए नोन एज डेबिट साइड। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाएगा डेबिट और राइट हैंड साइड क्या कहलाएगा क्रेडिट। यही लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड इज नोन एज ए क्रेडिट साइड। डेबिट एंड क्रेडिट इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। मैंने बताया था डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है, द्वि अंकन प्रणाली अभी लिखाया था मैंने आपको, समझ में आ रही है? डबल एंट्री, जब एक चीज डेबिट होगी दूसरी बार क्या होगी क्रेडिट होगी, ये आपको मैंने अभी लिखाया लेक्चर नंबर थर्ड में, ठीक है। कह रहा है मैंने आपको 10 मिनट पहले पढ़ाया था डबल एंट्री सिस्टम, हर चीज का ये खाता मेंटेन करता है। डबल एंट्री सिस्टम यह मानकर चलता है हर ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम यह मानकर चलता है हर ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, हर ट्रांजेक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। यह होता है डबल एंट्री सिस्टम। आपकी बुक में भी लिखा हुआ डबल एंट्री सिस्टम, द्वि अंकन प्रणाली। तो वो क्या कहता है, डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, इट मींस एवरी ट्रांजेक्शन हैज गॉट टू साइड्स। अंडरलाइन कर लो, एवरी ट्रांजेक्शन हैज गॉट टू साइड्स। दो साइड होती हैं, एक ट्रांजेक्शन एक चीज होती है डेबिट, और एक जब एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी बार क्या होगी क्रेडिट। मशीन खरीदी, मशीन को क्या करूंगा डेबिट, क्या गया कैश टू कैश, समझ में आ रही है? तो एक चीज डेबिट हुई होती है चीज क्रेडिट हुई, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जितना अमाउंट डेबिट में आएगा उतना ही अमाउंट कहां आएगा क्रेडिट में। कहता है एंट्री रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड आर नोन एज डेबिट आइटम। कह रहा है एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड आर नोन एज डेबिट आइटम, एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द राइट हैंड साइड। जो एंट्री आएंगी जब मैं जनरल से लेजर कराऊंगा, जब बातें बताएंगी, जब आपको समझ में आएगा, तो कह रहा है एंट्री रिकॉर्डेड इन द लेफ्ट हैंड साइड, यहां जो आएंगी नोन एज डेबिट आइटम,
मतलब यहाँ पे डेबिट आइटम आएंगे. एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द राइट हैंड साइड आर नोन एज क्रेडिट रिमेंबर आइटम. समझा रही है? चलिए ठीक कर लो. दे नोन आर क्या राइट हैंड साइड आर नोन एज क्रेडिट आइटम्स. क्रेडिट आइटम ठीक कर लो से बच्चों. चलिए वो डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर इक्वल फॉर ईच ट्रांजेक्शन. मैंने बताया था कि डेबिट जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा. बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर इक्वल फॉर ईच ट्रांजेक्शन. प्रत्येक ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा. ठीक है बच्चों. चलिए रिमेंबर याद रखना आपको डेबिट का एब्रीवेटेड क्या है? डेबिट. यहां पर कोई चांस छप्पड़ मत करना कि जी डेबिट का डेबिट याद लिखा जाएगा. हम डेबिट लिखेंगे एब्रीवेटेड. एब्रीवेटेड मतलब डेबिट से एब्रीवेट करेंगे और क्रेडिट को एब्रीवेटेड एज क्रेडिट सीआर से. ठीक है बच्चों. चलिए चाय पी लो बच्चों. ये ग्रीन टी है. आप नहीं पीते हो बच्चों, आप चाय पीते हो. मैं ग्रीन टी पीता हूं. चलिए इसे नींद नहीं आती. चलिए ठीक है बच्चों. चलिए आगे देखिए कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये इंग्लिश रूल है. मैंने आपसे कहा कॉपी करी है हमने पूरी इंग्लैंड से. पूरी कॉपी कर ली हमने, चोरी कर ली. ये सब इंग्लैंड के बनाए हुए रूल है बच्चों. जब ये लिखा है इंग्लिश रूल ट्रेडिशनल अप्रोच इंग्लिश रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. इन द कन्वेंशनल अप्रोच अकाउंट आर क्लासिफाइड पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. अकाउंट को कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में बांट दिया. पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट आर एंड नॉमिनल अकाउंट. डिफरेंस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर दीज अकाउंट आर डेवलप्ड. द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर डिस्कस्ड एज अंडर. देखिए बच्चों अब मैंने क्लासिफिकेशन प्रॉपर किया है. एक चीज समझाने की कोशिश की है. ठीक है बच्चों. एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट. ठीक है बच्चों आराम से, कोई जल्दी नहीं है. क्लासिफिकेशन अकाउंट खातों का वर्गीकरण. खातों का वर्गीकरण कहता है पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटा. नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. जो मैं बार बार बता रहा हूं कि बेटे पर्सनल अकाउंट के तीन पार्ट होते हैं. नेचुरल भगवान का बच्चा, आर्टिफिशियल कानून का बच्चा और ये रिप्रेजेंटेटिव जो हमने बनाए. रिप्रेजेंटेटिव दोनों को मिलकर रिप जो एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं. जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स वो किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इम्पर्सनल अकाउंट इसके दो भाग हैं. इसको एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट. मतलब क्लासिफिकेशन में पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट. बहुत ध्यान से पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटा. नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है बच्चों आपको एक एक चीज बताई जाएगी. मैंने पहले भी कह दिया आपको राजीव जैन आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगा अकाउंट्स के अंदर. ये नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ा दो फीस ऐड लो. आई एम नॉट ए फीस ऐड टू मास्टर. मैं आपको एक फादर की तरह पढ़ा रहा हूं बच्चों.
चलिए रियल अकाउंट को भी दो भाग है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल, बताए थे मैंने अभी आपको, इसको सब खोलूंगा अभी। अभी जो मैंने रियल अकाउंट का बताया उसमें टेंजिबल बता दी, इनटेंजिबल बता दी, अभी बताया दो मिनट पहले मतलब पिछले लेक्चर में। और नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकम एंड गेंस बता रखा है आपको। चलिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कह रहा है अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल व्यक्ति, बताया था मैंने आपको पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। फर्म एक ऐसी फर्म जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। कंपनीज रीगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति पैसा लगाते हैं जब बनती है कंपनी। रिलायंस, रिलायंस सिर्फ मुकेश अंबानी की नहीं है, मुकेश अंबानी तो किस चेयरमैन है, सीईओ है, सीईओ 51% की होल्डिंग है और बहुत सारे लोगों ने पैसा, हजारों लाखों लोगों ने पैसा लगा रखा है रिलायंस के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्री आर नोन एज ए पर्सनल अकाउंट, इट रिकॉर्ड ए ट्रेडर डीलिंग विद दी पर्सन ए फर्म, ए सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन फॉर ईच सच पर्सन ऑफ फर्म इज रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू देम। इफ देयर इज डेबिट बैलेंस इन द पर्सनल अकाउंट इट इंडिकेट दैट द पर्सन हैज रिसीव मोर बेनिफिट देन हैज इम्पार्टेड टू द ट्रेडर। इफ देयर इज ए क्रेडिट बैलेंस इन पर्सनल अकाउंट इट इंडिकेट द रिवर्स पोजिशन, रिवर्स पोजिशन में आएगा मतलब दैट द पर्सन हैज इम्पार्टेड मोर बेनिफिट देन हैज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेडर। ये सब आपकी जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखाया था द अकाउंट विच रिलेट्स टू इंडिविजुअल फर्म कंपनी और इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, बस आपके लिए वही काफ़ी है। पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन, यहाँ पे व्यक्ति आ गए, फर्म आ गए, कंपनी आ गई, संस्था आ गई, वही सारी चीज़ें आती है उसमें पर्सनल अकाउंट में। ये तो मैंने आपको डिटेल में स्टडी बता दी आपको, बाकी जरूरत नहीं सबकी, ठीक है, इन्हीं सबकी कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटा, नेचर, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। अब मैंने नेचर पर्सनल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, जिसमें व्यक्ति आते हों जैसे आनंद, रमेश, पंकज आर नोन एज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको डेफिनेशन नहीं दिखाई थी ना कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो वो भी लिखा दी मैंने आपको कि बच्चा पूछ लेता है कहीं ऑनलाइन में, बच्चा कैसे पूछे, तो वो भी मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है बच्चों। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लिमिटेड कंपनीज, कानून का बच्चा मेड बाई लॉ, जो लॉ के द्वारा बनती है, बैंक के भगवान ने बनाई है, लॉ ने बनाई है। फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, क्लब, दिल्ली क्लॉथ मिल, मैसा साहू एंड साहू, हंसराज कॉलेज और जमकाना क्लब आर नोन एज ए आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सनल अकाउंट। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्या होता है बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो आज सब मैंने आपको लिखा दिया पिछले लेक्चर में, सबको एक ही में लिखा दिया, वहां पर अलग अलग नहीं पूछेगा एग्जाम में, सिर्फ तेरे को डेफिनेशन बताने के लिए सब चीज अलग अलग कर दी गई, बाकी का जरूरत नहीं है तेरे को, जो मैंने लिखाया है ना कॉपी में बस वही काफी है। बच्चा पूछ लेता है कैसा जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, सर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वो उन बच्चों के लिए है जो ज्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हैं, सर जी उनके लिए, बाकी सब मैंने लिखा दिया पर्सनल अकाउंट के सारे एग्जाम्पल लिखा दिए। अब रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आएगा देखिए, मैं जैसे सारी कहानी नहीं पढ़ रहा, यहां से देखो मैं एग्जाम्पल रहा हूं, बेजेज आउटस्टैंडिंग, मजदूरी देनी है, अबे किसी व्यक्ति को तो मजदूरी देनी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी व्यक्ति को। रेंट आउटस्टैंडिंग, किराया देना है,
अबे भाई किसी व्यक्ति को तो देना है किराया, किसी किसी व्यक्ति को दे रहा है तो क्या आएगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल या नेचुरल, नहीं कुछ नहीं पूछेगा। वो एक 8-7 आइटम दे देगा, वो पूछेगा ये किस में आएगा, मैं सारे क्वेश्चन दूंगा आपको, सारे क्वेश्चन दूंगा कि ये पर्सनल में आएगा, ये रियल में आएगा, ये नॉमिनल में आएगा, ठीक है बच्चों। सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी सब ये इसमें आएंगे, ठीक है। पूरी कहानी आप पढ़ लेना। ऐसी रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। कद अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू टेंजिबल थिंग्स विच कैन बी टच्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी असेस की, असेस की डेफिनेशन लिखाई थी जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। वो होता है टेंजिबल, टच परचेज कर सकते हैं एंड सोल्ड कर सकते हैं, जिसको हम असेस को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। सच एज गोड्स, इसमें क्या क्या आएगा, इसके एग्जाम्पल क्या है, गुड्स के माल, माल दुकान में जो माल पड़ा है उसको छू सकते हो, तेल साबुन शैम्पू क्या है, माल है, छू सकते हैं। कैश छू सकते हो, बिल्डिंग मशीन इज नोन एज ए टेंजिबल रियल अकाउंट, और मैंने पिछले लेक्चर में कितने सारे लिखाए थे, ठीक है। समझ में आ रही है, एग्जाम में बस सजी पूछेगा ना जब आप ऐसे ही लिखाओगे बिगर कहे, इतना समझा दिया मैंने, इतना आपको समझा दिया, आप याद भी नहीं करोगे तब भी लिखा होगा गुरुजी ये होता है रियल टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक होता है इनटेंजिबल, जिसको हम छू नहीं सकते, कहता है इन विच डू नॉट है फिजिकल शेप। मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है, मैंने बच्चों आपको पीडीएफ भेज दी है, अब वहां से लिख लेना, अगर यहां पर कुछ में कुछ कटा पिटी हो जाती है ये भी मैं भेज दूंगा आपको, नहीं भेजिए तो पीपीटी है, ये पीडीएफ भेज दूंगा, पीपीटी भेज दूंगा, आराम से देख लेना, ठीक है। द अकाउंट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इंटेंजिबल थिंग्स डू नॉट हैव फिजिकल शेप, जो उसका फिजिकल शेप में नहीं, जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे गुडविल है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। पेपर में आ जाता है, 2 नंबर में पूछ लेता है, 11वीं में तो ऐसे ही पूछेगा कि भाई इंटेंजिबल असेट्स के कोई 2 एग्जाम्पल बताओ, इंटेंजिबल असेट्स के कोई 2 एग्जाम्पल बताओ। तो मैंने लाइन रख के लिखा दिए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ईटीसी आर नोन एज ए इंटेंजिबल रियल असेट्स, ठीक है बेटा। रियल अकाउंट इज आल्सो नोन एज ए प्रॉपर्टी अकाउंट, असेस्ड अकाउंट। रियल अकाउंट इज आल्सो नोन एज ए प्रॉपर्टी अकाउंट, इट रिकॉर्ड ड्यूरिंग इन और विद प्रॉपर्टी असेस्ड पोजीशंस, ठीक है। या पढ़ लेना इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा प्रॉपर्टी में, सच एज ए कैश, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ईटीसी। सो दैट By recording their particulars of each such assets received or given away, ठीक है बच्चों। रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट, मैंने पीपीटी बना दी आपको, देख रहे हो कितनी मेहनत की जाती है आपके साथ, आप देख रहे हो। रियल अकाउंट में टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट, टेंजिबल में क्या आएगा जिसको हम छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, ठीक है बच्चों। और इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या आएंगे बच्चों, सभी खर्चे आएंगे और हानियां आएंगी, और क्या आएगा, इनकम आएगी और गेन आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ये आप पढ़ लेना। एक्सपेंसेस और लॉसेस, किराया दिया, सैलरी दी, इंश्योरेंस दिया, ये सब क्या है खर्चे। इनकम में क्या है, किराया मिला, कमीशन मिला, मैंने अभी लिखाया था डिस्काउंट मिला, डिविडेंड मिला, ये सब क्या इनकम है, ठीक है बच्चों। चलिए सब आपको मैंने करा रखा है, बस रिवीजन चल रहा है बच्चों, ये पहले दिन का। अब रूल ऑफ डिविडेंड क्रेडिट,
क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको रूल पे ले चलता हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लासिफिकेशन। देखिए कितनी मेहनत की गई है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। सब मैंने लगा रखा है, कॉपी पे लगा रखा है, सिर्फ समझाने के तरीके मैंने अलग अलग बनाए आपके लिए, सिर्फ मेहनत की है आपको। देखो बच्चों, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीव, क्रेडिट द गिवन। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसिव एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। समझ में आ गया? ये सब मैं रूल में क्या लगाइए, ये रूल है, ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लासिफिकेशन बेस्ड रूल्स। इस पर डायग्राम में समझाया बच्चों मैंने, क्या समझाया? पर्सनल अकाउंट के दो रूल हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों आपको। हाँ जी, चलिए उतार लीजिए बच्चों। हालांकि मैंने सब समझा दिया है, उतारने की जरूरत भी नहीं है। अब बच्चों, अब मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, पेपर में कैसे आएंगे क्वेश्चन। सर जी पेपर में, सर जी कैसे आएगा, कैसे यूज करेंगे हम? अब मैं आपको बच्चों ये सिखाऊंगा, पेपर में आएगा ऐसे आएगा क्वेश्चन, कमेंस बिजनेस विद कैश, ये क्वेश्चन होगा आपका। इसे बोलते हैं ट्रांजेक्शंस, इसे बच्चों क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस। पेपर में ऐसे आएगा, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए। अब बात को मैं समझिए, टू एस्पेक्ट आर, मैंने बताया था आपको डबल एंट्री सिस्टम, यह मानकर चलता है हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, बताया था मैंने आपको। अब बताओ कमेंस बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस में पैसा लगाया। अब ध्यान देखिए, ये पीपीटी मैंने भेज दी आपको पीडीएफ, आपको लिखना नहीं है क्वेश्चंस। अब मैं जो समझा रहा हूं वो समझिए आप पहले, अभी समझिए पेपर में कैसे आएगा वो। बस पेपर में आएगा ये, पेपर में ऐसे आएगा, ये आएगा कमेंस बिजनेस विद कैश पर इतना आएगा। आपसे कहेगा जनरल एंट्री बनाइए, आपसे क्या कहेगा? जनरल एंट्री बनाइए। अब वो चीज सिखा रहा हूं, अब कैसे बनाओगे। बिजनेस स्टार्ट किया, अब बात को समझिए ध्यान से बच्चों, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। ठीक है बच्चों, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने पैसा लगाया, मैंने बच्चों क्या लगाया? ये बिजनेस है, ये मेरा क्या है? ये बिजनेस है, दुकान है मेरी, बिजनेस है। आपको पता है अकाउंट बिजनेस के बनेंगे, मैं कौन हूं? बिजनेसमैन, पैसे को लगाने वाला, राजीव जैन ओनर है, प्रोपराइटर है। शुरू से समझा रहा हूं बच्चों मैं आपको, ये राजीव जैन है, राजीव जैन ने क्या लगाया? पैसा। ये राजीव जैन है, ठीक है बच्चों, ये राजीव जैन है, क्या लगा रहा है? पैसा। मालिक है ये, प्रोपराइटर, ओनर। कितने रुपए लगाए व्यवसाय में? क्या रहा है सर जी? कैश आ रहा है। व्यवसाय के स्वामी द्वारा, व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल। ठीक है बच्चों, राजीव जैन कौन है? इस बिजनेस में पैसे लगाने वाला है, गिवर है। आप उतार लीजिए कॉन्सेप्ट को, एक ही चीज उतार लीजिए, ये ट्रांजेक्शन वन समझा रहा हूं मैं अपने हिसाब से, ये मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं लेमेन लैंग्वेज में। अब एक बार बताओ, कैश कौन सा अकाउंट है? सर जी संपत्ति या रियल अकाउंट है। ठीक है बच्चों, लिख लो आप। और प्रोपराइटर, मालिक, ओनर, बिजनेसमैन, इसे बिजनेसमैन ही बोलेंगे। आप सब कुछ लिख लो, जब भी समझ में आएगा बच्चों
ये प्रोपराइटर है, ओनर है, बिजनेसमैन है, ठीक है, इन्वेस्टर है, बीच में पैसा लगाने वाला गिवर व्यक्ति है, राजीव जन कौन है, व्यक्ति बनाकर दिखा दिया मैंने, पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे, देयर आर टू रूल आर अफेक्टेड, मैंने बताया था आपको, देखो सर चेक कर लो, मैंने लिखाया भी आपको, देखो टू एस्पेक्ट, इसमें बच्चों कितने एस्पेक्ट है, दो, पहला कौन सा सर जी, कैश अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट, रियल, रियल का रूल क्या है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना सर, ये एग्जाम में लिखना नहीं, नहीं कुछ नहीं लिखना आपको, पेपर में ये आएगा, ये सिर्फ समझा रहा हूं ना, मम्मी आपको कितनी बार मारती है, कितनी बार पीटती है, जब जाकर एक बन लिखना सीखते हो, ये वही तो है आपका अकाउंट, वही तो सब सिखा रहा हूँ आपको बच्चों, हाँ जब एक चीज लिखी है मैंने, आप कहीं भी पढ़ो, कोई मास्टर नहीं लिखाएगा, एक बार चेक कर लो क्या पढ़ाते हैं, थोड़ी थोड़ी पढ़ा देते हैं, छुट्टी बस हो गया, न्यूमेरिकल तो पढ़ाते ही नहीं, पेपर में सारा न्यूमेरिकल आता है, 90% न्यूमेरिकल आता है, और 10% आती थोड़ी, सही मारी थोड़ी में सब कराऊंगा, सब चैप्टर कराऊंगा, एक एक चैप्टर कराऊंगा, और बताओ, ठीक है, तो कैश क्या रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वाट कम से ना क्रेडिट वाट गोज आउट, याद हो गया आपको, आपको, और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट, व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो बीच में पैसा जो लगाया था उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, पहला पॉइंट मैंने आपको यही से साइड की थी, कैपिटल, ओनर मालिक, थोड़ी का पहला लेक्चर, रूल क्या है इसका, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अब क्या रिजल्ट आएगा, कैश कमिंग इन टू द बिजनेस, सर जी बिजनेस में कैश आ रहा है, देखो आ रहा है नहीं आ रहा, देखो बिजनेस में क्या आ रहा है, ये बिजनेस है, बिजनेस में देखो कैश आ रहा है, दुकान में पैसा आ रहा है, देखो कैश कमिंग इन टू द बिजनेस सो एज विल बी डेबिटेड, तो कैश को क्या करूंगा, डेबिट, मैंने दिखाया था डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट मींस क्या, कम मींस आया, क्या आया सर जी, कैश आ रहा है, तो कैश को क्या करूंगा, डेबिट, ठीक है, डेबिट हो गया, तो जाओ सर लिखते जाओ हाथ के हाथ, सर जी कैश को क्या लिखूंगा, डेबिट करूंगा, जनरल एंट्री का भी फॉर्मेट है बाद में बताऊंगा, आराम से कराऊंगा, मैंने आपसे कहा राजीव जैन के यहां कोई जल्दीबाजी नहीं है, डेबिट हो गया, अब क्रेडिट भी करूंगा, क्योंकि अकाउंट कैसे बनते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, जब एक चीज डेबिट हो गई, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी ही अमाउंट से क्या होगा, क्रेडिट, अब यहां देखो जब आपने डेबिट तो कैश आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है सर जी, कैश, बिजनेस में क्या आ रहा है सर जी, कैश आ रहा है, कैश को क्या कर दिया, डेबिट, अब आपको देखना है इस कैश को देने वाला कौन है, देखो कैश को देने वाला कौन है, राजीव जैन, राजीव जैन है, ये कौन है, राजीव जैन प्रोपराइटर है, मालिक है, पैसे को देने वाला कौन है, राजीव जैन, राजीव जैन कौन है, गिवर, राजीव जैन कौन है बेटा, गिवर, तो टू राजीव्स कैपिटल, राजीव ने बेटा क्या लगाया, पैसा लगाया, ये बनेगी जनरल एंट्री, बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलूंगा बच्चों, इसको बोलूंगा जर्नल एंट्री, और इसको क्या बोलूंगा बच्चों, नरेशन, ब्रीफ में, ब्रीफ में ये एंट्री किसकी बनी है, ब्रीफ में अपनी बात अपने शब्दों में लिखना, ताकि हम ये एंट्री देख के पता लग जाए कि एंट्री किसकी बनी है, ये एंट्री बिजनेस को स्टार्ट करने की बनी है, व्यवसाय में जो बिजनेस पैसा लगाया उसे बोलते हैं कैपिटल, जब बिजनेसमैन शुरुआत में जो पैसा लगाया जाता है, शुरुआत में जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं कैपिटल, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा कैपिटल, तो लिखो लो, इसे बोलते हैं नरेशन, क्या बोलते हैं नरेशन बोलते हैं, ये सब बातें मैंने करा रखी हैं आपको बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था सर जी, अब एग्जाम में क्या आएगा दोबारा समझ लो, सर जी एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा, कमेंट बीने विद कैश 50,000 रुपये, आपसे कहेगा जनरल एंट्री बनाओ, तो एग्जाम में क्या बनेगी, सिर्फ ये बनेगा, बस ये बनेगा, और बाकी का सब आपको समझाया है मैंने, बस
सर जी इतनी सी बात है, सर जी पैसा आ रहा है, जब भी पैसा आए मैंने लिखाया था आपको डेबिट, और पैसा जाए तब क्या करूंगा क्रेडिट। हमें बिजनेस की दृष्टि से सोचना है, हमें बिजनेस की दृष्टि से सोचना। आप अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट मान लो, आप बिजनेस का क्या मान लो, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का काम क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। सर जी ट्रांजेक्शन क्या होता है, दिस इज द ट्रांजेक्शन, इससे बोलते हैं ट्रांजेक्शन, कमेंट बिजनेस विथ कैश। ये सर जी होता क्या है, पेपर में आ जाएगी ट्रांजेक्शन क्या होता है, मैं लिखा दूंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखाऊंगा। मेरा टारगेट आज ये कौन सा समझाना है, मेरा टारगेट ट्रांजेक्शन को समझाना नहीं है, वो नेक्स्ट में समझा दूंगा। ठीक है, बात आई है तो दूर तक जाएगी, बताऊंगा जरूर। ठीक है बच्चों, बता देना मुझे, व्हाट्सएप कर देना कि सर जी ट्रांजेक्शन समझा दो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, कोई बच्चा मेरे पर्सनल कर दे, क्योंकि मैं बहुत कम यूज करता हूँ, फोन कर दिया कर देना कोई बच्चा कि सर जी ट्रांजेक्शन समझा देना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों समझ में आ गया, ये सब आपको समझाया है कि इसमें कितने ट्रांजेक्शन प्रभावित हो रहे हैं। सर जी कैश इफेक्ट करेगा और कैपिटल इफेक्ट करेगी। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल दिखाए थे, कैश रियल में आएगा। अभी सब एग्जाम्पल दिखाए थे लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में लिखाए थे। कैश क्या है, संपत्ति है। संपत्ति है मतलब रियल है, व्यवसाय में पैसा आ रहा है, आ रहा है तो रूल क्या रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको याद होना चाहिए ये रूल, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तीन रूल तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किताबें कैसे लिखी जाएंगी वो सिखा रहा हूं, लिखना अकाउंट कैसे लिखा लिखना सिखा रहा हूं बच्चों आपको। टैली में इसी का यूज होगा जो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसे ही कर लोगे आप, ये सब नहीं आएगा। दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ द आंसर, ये सब कोई आंसर पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये आपके अनुसार, और ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ये सब आपको मैं समझा रहा हूं, ये सब समझाने का मेरा एक तरीका है। बीच में कैश आ रहा है, आ रहा है डेबिट करूंगा। मैंने दिखाया था जब कोई वस्तु या संपत्ति अपने पास अपने व्यवसाय में आती तो उस खाते को डेबिट किया जाता है। तो सर जी व्यवसाय में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है तो क्या करूंगा, डेबिट। अब क्रेडिट भी होगा, जब एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी बार क्या होगी, क्रेडिट भी होगी। अब आपको पैसे को देने वाला कौन है, पैसे को देने वाला कौन है, गिवर कौन है, राजीव जैन। पैसा कौन लगा रहा है, सर जी राजीव जैन, राजीव जैन, ये राजीव जैन है, ये राजीव जैन। राजीव जैन कौन है, देने वाला, गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और देने वाले क्या करते हैं, सर जी क्रेडिट करते हैं। देखो मैंने क्रेडिट कर दिया, टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो राजीव जैन को मैं क्या करूंगा, सर जी मैं राजीव जैन को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, क्योंकि पैसा देने वाला कौन है, राजीव जैन। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। देखो मैं लिख भी दिया है, मैंने देखो एक्सप्लेन भी कर दिया है कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर पैसे को देने वाला कौन है, राजीव जैन, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। देखो आ गया क्रेडिट, टू का मतलब क्रेडिट, टू का मतलब क्रेडिट, कोई दिक्कत। सर जी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल बीच में से लिखेंगे डेबिट, इसके पूरे लाइन के डेबिट के बिल्कुल बीच में से टू राजीव कैपिटल। ठीक है, इसका फॉर्मेट लिखाऊंगा आराम से बच्चों, सब करा दूंगा, घबराओ मत, कुछ नहीं छूटेगा, आप मेरे से पढ़ रहे हो विश्वास करेगा बस। ठीक है, समय आने पर सब एकदम सब सिखा दूंगा, तो तू सीख नहीं पाएगा, कहीं का भी नहीं रहेगा, कहीं का भी नहीं रहेगा। मैं मेरे को क्या है, मैं सिखा दूंगा, इसके बाद ये होगा फिर तू हजम कर लेगा क्या, एक महीने की रोटी तेरे को एक बार में खिला दूं, खा लेगा है तेरे ऊपर है 50 किलो का तेरा वजन है और 100 किलो का तेरे ऊपर बोरा ला दूं बोरी तो झेल लेगा। हाँ सर सही कह रहे हो आप। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर टू, ये ट्रांजेक्शन है, लेन देन है, क्या लेन देन हुआ, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपए। ट्रांजेक्शन नंबर टू पे आइए,
यहां डाल दो ट्रांजेक्शन नंबर टू, गुड्स परचेज फॉर कैश, माल खरीदा। आपको मैं डायग्राम में समझाऊंगा सब कुछ, आपको सब कुछ डायग्राम में समझाऊंगा। बच्चों आप कभी भी ऐसा महसूस मत करना कि राजीव जैन जल्दी जल्दी लपेट देगा, नहीं सर ये तो सिखाया ही नहीं है, ये बिजनेस है। क्या खरीदा? माल। क्या खरीदा? माल। तो क्या होगा? माल आएगा दुकान में, माल आएगा जिसकी दुकान शॉप शॉप है, मैसर्स पारस जनरल स्टोर, पारस जनरल स्टोर के अकाउंट बनेंगे, अकाउंट किसी व्यक्ति का नहीं बनते, दुकान के बनेंगे, कंपनी के बनेंगे, बिजनेस के बनते हैं अकाउंट। समझ में आ रही है? मैं मालिक हूं पारस जनरल स्टोर का, मैंने मेरी दुकान काय की है सर जी, कपड़े की है, पार यहाँ पर जनरल स्टोर लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, परचूनी की है, आटा तेल साबुन सरफ ये सब बिकता है। अब दुकान के लिए मैंने माल खरीदा, माल क्या होता है सर जी? वस्तु क्या होती है? गुड्स क्या होता है? वस्तु वह होती है जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ। अगर मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़ा इधर माल, बताया था मैंने आपको। अगर मेरी दुकान मोबाइल की है, मोबाइल इधर माल गुड्स। अगर मेरी दुकान परचूनी की है, आटा तेल साबुन सरफ मैदा, क्या ये घी चीनी चाय पत्ती, क्या ये सारी दुकान के लिए माल है, जनरल स्टोर के लिए। तो दुकान के लिए मैं माल खरीदा, तो सर जी क्या आ रहा है? सर जी गुड्स आ रहा है, माल आ रहा है, बहुत ध्यान से। और दुकान से क्या जा रहा है? आपको केवल दुकान के बारे में सोचना है। मैंने आपको बताया था बिजनेस अलग है और बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति अलग है। राजीव जैन को अलग रखो और दुकान को अलग रखो। आप दुकान इसके दुकान के अकाउंटेंट हैं, बताओ आप एंट्री क्या बनाओगे? हर चीज को नोट करोगे, लिखोगे? लिखने का तरीका बता दिया, पर्सनल रियल अकाउंट से अकाउंट लिखे जाएंगे, कोई चाय और कोई चपड़ नहीं, जैसे बता रहा हूं वैसे तरीके से रुकना। डेबिट का मतलब क्या होता है? हाँ बच्चे ही तो है, बता दो। अब क्या बताऊं? झूठी झूठी बात बता दूं कि ये होता है? कोई मतलब ही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज है, विदेश से उतरन है। अगर ये इंडिया में बनी होती तो डेबिट को हम राम लिखते, श्याम लिखते, लिखने का तरीका है अकाउंट। बाईस पाई का फॉर्मूला क्या है? 22/7। अब इसका मतलब पूछा तुमने मास्टर से कभी? सही 22/7 का मतलब क्या है? पूछा कभी? तो अब भी पूछना मेरे से कभी? जो समझाओ बस वो ही है इसका मतलब। बस अगर ज्यादा मतलब लगेगा तो अकाउंट समझ नहीं आएगा, अकाउंट छोड़ दे, आर्ट साइड ले ले, साइंस ले ले। कभी पूछा अपने मास्टर से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस? पूछा क्या मतलब होता है इसका? पूछ पूछ पूछ, आज ही पूछ, मैथ वाला मास्टर बना दे, तब मैं भी कुछ पूछूंगा। ज्यादा इंग्लैंड में जाकर के पूछूंगा, जिसने बनाया वो मर गए, मर गए वो क्या बताएंगे? शमशान घाट में चले गए, फूक फाक के आ गए सब, अब क्या बताएंगे वो? गूगल पे भी नहीं है, सर्च कर ले। तो कोई मतलब नहीं होता हर चीज का। कभी फॉर्मूले होते हैं मैथमेटिक्स में, साइन कॉस थीटा, इसके दुनिया भर के फॉर्मूले होते, 100 फॉर्मूले हैं। कभी पूछा मास्टर से इसका मतलब क्या होता है? बताया मास्टर ने कभी? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, फॉर्मूला है, रूल है, बस ये भी रूल है। अब आपको जैसे मैं समझा रहा हूं वो समझना है। आपने अपने दुकान के लिए माल खरीदा तो उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे ये दिमाग में रखना, फालतू बातें छोड़ दो। दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, अगर बहुत सारी बातें आ रही है तो अकाउंट नहीं सीख पाएगा, अकाउंट आज ही छोड़ दे और फीस ले ले रिफंड अगर दे दी तो। कुछ फालतू बातें दिमाग में रखनी नहीं, जैसे जिस तरीके से मैं समझा बस वही समझना। बस गुरु जी बोल रहे सब दुकान के लिए माल खरीदा, दिमाग में लगाना है माल खरीदा, अच्छा 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 क्या आ रहा है सर जी? माल आ रहा है।
आटा दाल चीनी दुकान के लिए आ रही है, जब आ रही है तो कुछ जा भी रहा होगा, क्या जा रहा है? कैश, पैसा दे के आए होगा ना जिससे खरीदा। देखो कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब पैसा दे आए माल ले आए, पैसा दे आए माल ले आए, पैसा दे आए माल ले आए, तो माल आ रहा है और कैश जा रहा है। सर ये गुड्स कौन सा अकाउंट है? भाई साहब ध्यान से, अगर एग्जाम में पूछे कि परचेज कौन सा अकाउंट है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, पहले बात को पहले मैं समझ लूँ, जो मैं समझा रहा हूँ। दुकान में जो माल है, जब तक दुकान में जो माल पड़ा है ना, तो आप क्या बोलोगे? माल पड़ा हुआ है, ऐसे बोल दो। सर चीनी की दुकान है आपकी, चीनी चीनी, तो क्या बोलोगे? माल बोलोगे, माल पड़ा हुआ है। कभी ये बोलते चीनी पड़ी हुई है? दुकान में हजारों तरीका का आइटम पड़ा होता है, तो ये बोलोगे ये चीनी है, ये साबुन है, तेल है, ये शैम्पू है, ऐसे बोलते हो? नहीं, क्या बोलते हो? माल पड़ा हुआ है। माल क्या है? स्टॉक है, दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या ये संपत्ति है? हाँ सर, संपत्ति है। दुकान में जो माल पड़ा है वो क्या है? संपत्ति है। तेरा स्टॉक पड़ा हुआ है माल का, समझ में आ रही है? ऐसे समझ, मैंने आपसे कहा ना, नो चाय और नो चप्पल, ज्यादा सोचेगा तो अकाउंट समझ में नहीं आएगी। बात समझ ध्यान से, जैसे मैं समझा रहा हूं वही समझना है। कुछ भी दिमाग ही लगाना, तू दो तीन महीने तक बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल बिल्कुल बांध दे। मम्मी से कभी पूछा है कि जी मम्मी ये बन क्या मतलब है? अरे मम्मी बोलती है नेचुरल अकाउंट है, भगवान ने बनाया है, 1 2 3 आर्टिफिशियल, कानून ने बनाया 1 2 3 ऐसे लिखा जाएगा, 1 आर्टिफिशियल ABC ऐसे। मम्मी से पूछा था ना कभी कि मम्मी ये बन को मैं ऐसे लिख दूं? मम्मी मारा ही रहा, बट मारा भी होगा। तो ऐसे ही है, दुकान में क्या रहा है? सर जी माल आ रहा है। माल कौन सा अकाउंट? रियल। क्या है? स्टॉक, संपत्ति है। दुकान में क्या है? गुड्स। क्या है? क्या है? सर जी स्टॉक, संपत्ति है। किसके रूल लगेंगे? रियल अकाउंट के। संपत्ति है। कैश क्या है? रियल है। कैश क्या है? रियल है। संपत्ति है। सर जी पैसा जा रहा है, माल आ रहा है। मैंने हिंदी में लिखा था, हिंदी से सोच, जब कोई वस्तु या संपत्ति, जब कोई वस्तु या संपत्ति, यहां पर वस्तु आ रही है। क्या आ रही है? वस्तु आ रही है अपने पास, अपने व्यवसाय में आती है, आती है तो उस खाते को डेबिट किया जाता है। तो इसे क्या करूंगा? गुड्स को क्या करूंगा? डेबिट। क्या करूंगा? डेबिट। और फिर क्योंकि ये भी रियल और ये भी रियल, तो यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट के रूल लगेंगे। तो रियल का लग गया डेबिट वाट, कम से वाट मींस क्या? कम मींस आया। क्या आया? माल। जो आया उसे क्या करूंगा? डेबिट। क्या गया? क्या गया? माल, पैसा। दुकान से क्या गया? कैश। जा रहा है, जो गया उसे क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट मींस क्या? गोज आउट मींस गया। क्या गया? क्या गया? कैश। सर जी कैश जा रहा है, सर जी माल आ रहा है और कैश जा रहा है, तो माल को क्या करूंगा? डेबिट। और कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट। मैंने बताया था डबल एंट्री सिस्टम, जब एक चीज डेबिट होगी तो क्रेडिट जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। तो सर जी माल को क्या करूंगा? डेबिट। और कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट। हम बच्चों क्रेडिट को कैसे लिखते हैं? ऐसे। डेबिट को तो डीआर लिखूंगा, क्रेडिट को सीआर नहीं लिखूंगा, जनरल एंट्री में क्या लिखूंगा? टू। टू का मतलब ही क्रेडिट है। अब इसका मतलब मत पूछना, इसका मतलब क्या है? दिमाग मत लगाओ ज्यादा, ज्यादा लगाओगे अकाउंट समझ नहीं आएगी, छोड़ दो अकाउंट। जो बच्चे अकाउंट में दिमाग लगाएंगे ना, जाएगा मतलब क्या है? सर जी ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, मम्मी नानी की जाएगी तो पापा जाएंगे, कोई मतलब है इसका? अरे पापा ही तो लेके जाएंगे मम्मी को, पीछे मोटरसाइकिल तू भी बैठ गई हो,
पापा क्यों जाएंगे? अब इसका ही मतलब पूछते पापा क्यों जाएंगे? जाएंगे जाएंगे, हर चीज का मतलब नहीं पूछते, समझ में आ रही है? चलिए तो बच्चों क्या लिखूंगा ध्यान से, गुड्स, हम जो दुकान में जो माल खरीदते ना अकाउंट में गुड्स, क्या लिखूंगा गुड्स, गुड्स को क्या करूंगा डेबिट, तो मैं गुड्स लिखूंगा तो गुड्स ही, लेकिन अकाउंट की लैंग्वेज में लिखूंगा, क्या लिखूंगा अकाउंट की लैंग्वेज में, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट मतलब गुड्स अकाउंट डेबिट, हम गुड्स नहीं लिखते, जब दुकान के लिए माल खरीदते हैं ना तो परचेज लिखते हैं, हाँ समझ में आ रही है, क्या लिखते हैं परचेज, मैंने आपसे कहा ना ज्यादा पूछपाछी करो ना अकाउंट समझ जाएगा, जो मैं समझा रहा हूं वैसे समझना बस, गुरु जी ने ऐसे कहा बेटा कुएं में पट्टी बांध गिर पड़ो तो गिर पड़ो, गुरु जी कह रहे हैं बस, तो गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी कभी गलत बताए बोलेंगे, गुरु जी बच्चों गलत बोलेंगे क्या? नहीं सर, गुरु जी कभी भी गलत नहीं हो सकते, समझ में आ रही है? चलिए अब बच्चों क्या जा रहा है कैश, तो टू कहां से लिखूंगा? बिल्कुल बीच में से लिखूंगा, कोई मतलब नहीं है इसका, सर जी क्यों लिखेंगे, ये तो पूछना ही नहीं है अकाउंट में, क्या गया कैश, तो कैश को क्रेडिट करना है, कैश को क्या करना है क्रेडिट, अमाउंट देखो कितना है, कितना अमाउंट है 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये डेबिट और 5,000 रुपये क्रेडिट, बस आप अभी इतना सीखो जितना सिखाया जाए, और सही इंजरेशन क्या होगा, बींग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, दिक्कत आती नहीं क्योंकि तो हमें जैसे गुरु जी सिखा रहे वैसे सीखना है बस, तो एग्जाम में क्या आएगा सर, एग्जाम में सर इतना आएगा परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपये, ये तो मैंने कहानी समझाई है, क्या समझाई है कहानी, बस पेपर में इतना आएगा परचेज गुड्स फॉर कैश, आपसे क्या जनरल एंट्री बनाओ, लो जी बन गई जनरल एंट्री, बस ये है जनरल एंट्री, बस ये बनानी है एग्जाम में, सर जी ये भी बनाना है, नहीं कुछ नहीं बनाना, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़े दिन के बाद 2 या 3 लेक्चर के बाद फिर आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, सब आपको दिमाग में बैठ जाएगा, सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप कहोगे वाह गुरु जी आपने तो कमाल ही कर दिया है, बस जो मैं समझा रहा हूं बस वो दिमाग में रखना है, अकाउंट बड़ी स्मूथली समझ में आ जाएगी, अगर ज्यादा चाय और चपड़ करोगे ना, ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करोगे तो सब कुछ खोदोगे, अकाउंट समझ में नहीं आएगी, बच्चों बस ये बात दिमाग में रखना, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको पहले दिन से, समझ में आ रही है? चलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब परचेज मैंने आपसे कहा देयर आर 2 आइटम्स आर अफेक्टेड, इस ट्रांजेक्शन में कितने आइटम इफेक्ट हुए, एक परचेज और एक कैश, मैंने बताया था अभी बताया था, दुकान में जो माल माल जो होता है हम अकाउंट में से क्या लेते हैं परचेज, और जो तो पैसा दे गया उसे क्या बोलूंगा कैश, तो इस ट्रांजेक्शन में देयर आर 2 आइटम्स आर अफेक्टेड, कौन कौन सा, परचेज और एक कैश, अब ध्यान से देखिए परचेज कौन सा अकाउंट है सर, नॉमिनल अकाउंट है, पेपर में आ जाए ना तो नॉमिनल अकाउंट लिखियो, रियल मत लिख दियो, यहां बहुत मैंने आपसे क्या कहा, थोड़ी मिस्टेक होने के कारण मॉडर्न अकाउंट का जन्म हुआ, मैं समझाऊंगा, इस थोड़ी थोड़ी कमियां होने के कारण मॉडर्न अप्रोच का जन्म हुआ, यहां पर मिस्टेक थी क्योंकि अकाउंट कौन कौन का होने की रियल, लेकिन क्या दे रहे हैं वो नॉमिनल, एग्जाम में क्या लिखना है नॉमिनल, रूल क्या है डेबिट द रिसीवर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कैश कौन सा अकाउंट है रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, लेकिन तू यहां पर परचेज अगर तेरे पूछ ले परचेज कौन सा अकाउंट है तो तू क्या लिखेगा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन रूल क्या समझेगा रियल के, हाँ सर हाँ सर, इसी डिफेक्ट को खत्म करने के लिए मॉडर्न अप्रोच आई,
तो वहाँ समझाऊंगा, अभी इतना ही समझ ले, बस यही समझ ले, बस जो मैंने समझाया बस इतना समझ ले। माल आ रहा है, कौन सा अकाउंट है, रियल संपत्ति है, गुड्स है, स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक दुकान में जो माल पड़ा हुआ था वो क्या थी, संपत्ति होती है, वो खर्चा है क्या, खर्चा है वो जरा, फिर समझ में आ रही है, खर्चा नहीं है वो स्टॉक है, माल है, संपत्ति है। लिखते हम लिखते क्या पर्चे इनको, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, चलिए कैश। ये एंटी मैंने आगे देखिए, थर्ड देखिए, ये सारी बातें मैंने लिख दी, आप पढ़ लोगे, आप, मैं भी थक जाता हूँ बच्चों, आवाज निकलना बंद हो जाती है, आप पढ़ लेना, सब चीज लिख दी है मैंने। थर्ड क्या है, मशीन परचेज फॉर कैश 20,000 रुपये, एग्जाम में बस इतना आएगा। ये तो मैंने कहानी लिख दी है तेरे लिए, ताकि बैठ के आराम से बगला भगत बन के समझियो बैठ के, हाँ, एक चीज लिख दिया, ठीक है सर, हाँ सर, अच्छा किया सर आपने, हाँ एक चीज लिख दिया, पीडीएफ भेज दी, स्टडी मटेरियल में देख लियो, 11वीं के फोल्डर खोलियो, 11वीं में जैसे जाएगा वीडियो के आगे, अगर आप हुआ स्टडी मटेरियल वहाँ खोलेगा, पीडीएफ के सामने होगी, सब कुछ मिल जाएगा तेरे को, बस मजे आ गए। हाँ जी, मशीन खरीदी, परचेज मशीनरी फॉर कैश, चलिए समझ लिया ध्यान से, मशीन खरीदी, ट्रांजेक्शन नंबर 2, 3, थर्ड ट्रांजेक्शन समझा रहा हूँ, कैश है, ये क्या है आपकी दुकान है सर, ये दुकान है, ये क्या है, एक्सपर्ट कपड़े की दुकान है, क्लॉथ हाउस, ये आपका बिजनेस है, काय का बिजनेस है सर, कि कपड़े का शोरूम है सर, ये शोरूम है, ये शोरूम है, शोरूम के बाहर का लिख दिया एक्सपर्ट क्लॉथ हाउस। आपने दुकान के लिए क्या खरीदा, कह रहा है मशीन खरीदी कैश में, तो भैया समझ समझा दूं, हाँ समझा दो, टू मेन एस्पेक्ट, आप इसमें दो एस्पेक्ट हैं, इसमें दो चीजें हैं, पहला एस्पेक्ट क्या है सर जी, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, पहलू बोलते हैं एस्पेक्ट को हिंदी में, बताया था मैंने आपको, दो पहलू हैं, एक तो मशीन, देयर आर टू आइटम्स आर अफेक्टेड, मशीन और एक कैश। अरे सर जी, मशीन खरीदोगे दुकान के लिए, जब हम दुकान के लिए माल खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज, और जब दुकान के लिए संपत्ति खरीदते हैं, भाई सिलाई मशीन खरीद ली, भाई कपड़े का शोरूम है, आपने देखा होगा जींस पैंट की दुकान है मेरी, बाहर जींस देखता हूँ मैं, तो आप देखते हो जींस लंबी लंबी होती हैं, तो साइज के हिसाब से कटवा देता हूँ, तो मैंने दुकान की मशीन खरीद ली, जैसे भी कोई कमी आती है तो सिलवा देता हूँ उसके नाम लेकर के, हाँ सर हाँ सर। तो क्या है ये संपत्ति है, मशीन क्या संपत्ति है, जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, संपत्ति क्या होती है, जिसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं सर जी, संपत्ति बोलते हैं। आप बार बार मत पूछना कि संपत्ति क्या होती है, मैं पक चुका हूँ, अब बोलने की स्थिति में नहीं जाऊँ, ठीक है सर जी। मशीन दो आइटम प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन दो आइटम प्रभावित, मशीन और कैसे खरीदी, कैश में, पैसा दिया है और मशीन ले आए, पैसा दिया है और मशीन ले आए, तो दुकान में क्या आ रही है, ये मेरी दुकान है, दुकान का गेट है, तो क्या आ रही है, मशीन आ रही है और दुकान से क्या जा रहा है, कैश, मशीन आई और कैश गया, मशीन आई कैश गया, मशीन आई और कैश गया, आई कम्स इन कैश गोज आउट, मशीन कम्स इन कैश गोज आउट, मशीन आ रही है कैश जा रहा है। तो देखिए मशीन कौन सा काउंटर, रियल, रूल क्या है, डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट, क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। मैंने बताया था कि एक बात हमेशा याद रख लो, एक बात दिमाग में रख लो, कैश आएगा डेबिट और कैश जाएगा तो क्रेडिट, बस इतनी बात दिमाग में रख लो इस बात को, कैश कौन सा अकाउंट, रियल संपत्ति है, जब भी कैश आए डेबिट और कैश जाए क्रेडिट, याद रख लो 50% अकाउंट, तो आपको ऐसी समझ में आ गई, मशीन खरीदेगा क्या होगा सही, तेरे पास पैसा जाएगा,
पैसा जाएगा कैश, रुपया जाएगा। कितने जाएंगे? 20,000। तो कौन सा रूल लगेगा? डेबिट वाट कम्स एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। अब देख देख संजीव, मशीन आ रही है, देख मशीन आ गई, देख मशीनरी आ गई। क्या गया? सर जी कैश गया, सर जी कैश गया, सर जी मशीन आ गई और कैश गया। जब कोई वस्तु या संपत्ति, तो वस्तु नहीं आ रही है, संपत्ति आ रही है अपने पास, अपने व्यवसाय में आती है। एरो देख आने का, तो उसे क्या करूंगा? डेबिट। और जब कोई वस्तु या संपत्ति, संपत्ति क्या है? कैश, जाती है, तो उस खाते को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट को कैसे लिखूंगा? टू, डबल एंट्री सिस्टम, एक चीज डेबिट, दूसरी क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया डेबिट और जो गया क्रेडिट। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर? हाँ आएगा, अनशन दिमाग नहीं लगाएगा तो आएगा। अगर फालतू दिमाग लगाएगा ना, इसका क्या होगा, ऐसी तैसी होगी तेरी। अगर ज्यादा सोचेगा ना, अकाउंट नहीं आएगा, ट्यूशन छोड़ दे, फीस वापस, रिफंड भी होती है। अरी राजीव जैन, समझ में आ रही है? चलिए तो मशीनरी, हमें अपने ऊपर विश्वास है। डेबिट क्या गया? कैश। सर जी मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। कितने रुपए? रुपए देखो बच्चों, 20,000 रुपए। जब भी हम असेस खरीदेंगे तो उस असेस का नाम देखेंगे। ये बच्चों ध्यान रखना इस बात का, अगर मैं दुकान के लिए माल खरीदूंगा, याद रखना हमेशा, तो परचेज लिखूंगा। अगर मैं कोई संपत्ति खरीद रहा हूं जिसका यूज आने वाले भविष्य में उठाएंगे, जिसका यूज आने वाले भविष्य में उठाएंगे, समझ में आ रही है? तो क्या है? संपत्ति है, तो उसका नाम लिखूंगा। संपत्ति का हमेशा नाम लिखा जाएगा, समझ में आ रही है? जब भी तो मैंने दिखाया वहां पर नॉमिनल अकाउंट, तो जो माल है क्या भविष्य में यूज करूं करने के लिए? मैंने माल का भविष्य में यूज करने के लिए वहां रखा है क्या? मैंने वहां पर एक कंसर्ट लगाया, क्यों रियल अकाउंट का क्यों लगा दिया? क्योंकि जो माल पड़ा हुआ वो एक तरह का स्टॉक है, तो स्टॉक क्या है? संपत्ति है। तो वहां पर बल्कि वहां पर कैश और मतलब स्टॉक, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों के कंसर्ट लागू हो रहे, नहीं हो रहे उसमें? माल खरीदा, जब उसको माल मान रहा हूं, स्टॉक मान रहा हूं, तो क्या है वो? क्या है? संपत्ति है। क्या वो स्टॉक को भविष्य में यूज करूंगा? नहीं सर। तो इसने तो क्या मान लिया? खर्चा। तभी तो उसने खर्चा मान करके ये एंट्री, तभी तो लिखा है वहां पर। परचेज को क्या माना? नॉमिनल। तो यहां पर कंफ्यूजन हो गया बच्चे के दिमाग में, तो आपको कंफ्यूजन मत, आपको दिमाग में से ये रखना है, परचेज को हमेशा एग्जाम में क्या लिखोगे? नॉमिनल अकाउंट है, और एंट्री किस हिसाब से बनानी है? दुकान में जो माल पड़ा हुआ एक तरह का स्टॉक है, संपत्ति है, और संपत्ति है तो रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। डेबिट वाट कम से क्रेडिट वाट गुजरा, दुकान में क्या माल आ रहा है तो पर्चे को डेबिट करूंगा। समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना, आप कन्फ्यूज मत होना, वीडियो को बार बार सुन लेना। दुकान के लिए माल खरीदूंगा तो यहां पर एंट्री बनाते समय हमेशा से रियल मान लेना, क्योंकि माल दुकान में पड़ा हुआ है, स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक है। तो यहां पर कन्फ्यूजन है बच्चों को, सिर्फ सर जी माल स्टॉक पड़ा हुआ है, एक तरह का संपत्ति मान लो उसे, आप अभी बिका नहीं है वो, समझ में आ रही है? तो क्या है? संपत्ति है। तो जब खरीदा तो माल स्टॉक पड़ा हुआ है, डेबिट वाट कम से माल आ रहा है, डेबिट कर दिया। क्या गया? कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कहां पर? जब माल खरीदते हैं, जब कोई दुकान के लिए संपत्ति खरीदे, क्या ये बेचने के लिए मंगा रखी है? मशीन बेचोगे क्या? सॉरी, क्या मशीन बेचोगे क्या? नहीं सर। क्या चीज करो भविष्य में? तो क्या असेस्ट है? तो असेस्ट को डेबिट कर दिया। क्या गया? कैश। देखिए लिखिए, बीइंग
बीइंग से हमेशा स्टार्ट करूंगा, हमेशा स्टार्ट कैसे करूंगा, बीइंग से, बीइंग मशीनरी परचेज फॉरकास्ट, मशीन खरीदी 20,000 रुपये की। ओके बच्चों, ये सब मैंने आप पढ़ लेना, आराम से बैठ कर पढ़ना। मशीन इज कमिंग इन टू द वीनस इज डेबिट रिजल्ट, क्या प्रभाव पड़ा, रिजल्ट का मतलब प्रभाव फैक्ट, एंड में क्या रिजल्ट आया, मशीन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मशीन आ रही है, कैश गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से जा रहा है, तो इसलिए क्या करूंगा क्रेडिट, सो क्रेडिट, इसलिए क्या करूंगा क्रेडिट। समझ आ रही है, सब कुछ लिख दिया और फिर भी समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं बता, जान तो दूंगा नहीं है, समझ ही सकता हूं, ये 100,000 बार आएंगे, घबरा जाओ मत, सब करूंगा, अभी कुछ नहीं, अभी तो बेसिक सिखा रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन तो आया ही नहीं, क्वेश्चन जब दूंगा 35 क्वेश्चन बनाया, 35 क्वेश्चन, समझ में आ रही है, 20 लेक्चर लगेंगे जनरल एंट्री में, कितने लेक्चर लगेंगे 20, जब जाकर बनेगा तो जनरल एंट्री का मास्टर है, मास्टर पीस बनेगा, सचिन तेंदुलकर बनेगा, जब धोनी बनेगा, जब तू 20 लेक्चर जनरल एंट्री कर लेगा, जब बनेगा तू, तो तू सोच रहा होगा कि चौथे लेक्चर में समझ आ जाए जनरल एंट्री, हाँ आ रही है, हाँ जी लंगर लग रहा है खा ले, सोल्ड गुड फॉर कैश, माल बेचा, माल अब दुकान में जो माल है ना अब बेच रहे हैं, अब बेच रहे हैं, जो स्टॉक पड़ा हुआ था ना अब स्टॉक जा रहा है, हाँ वही माल जो तेल साबुन शैम्पू खरीदा था ग्राहक आ गए, अब माल बेच रहे हैं, तो बेचने भी एवरी ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी अकाउंट के अंदर, जो आ रहा है उसकी भी, जो जा रहा है उसकी भी, हाँ जी समझ में आ रही है, तो देखो कैश सोल्ड गुड फॉर कैश 2,000 रुपये, टू मेन एस्पेक्ट, इसमें दो एस्पेक्ट है सर जी, कैश आएगा, कैश प्रभावित होगा और क्या जाएगा माल सेल, जब खरीदते हैं तो क्या लिखूंगा परचेज, जब बेचूंगा तो क्या लिखूंगा सेल, याद रखना इस बात को, तो जब मैं दुकान के लिए माल खरीदूंगा तो माल नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा परचेज, उसी माल को मैं बेचूंगा तो माल में दुकान का सारा माल थोड़ी, थोड़ा जितना माल बिक रहा है, देखो अभी कितना माल बिक रहा है सर 2,000 का, सारा माल थोड़ी बेच दूंगा एकदम 2,000 का माल, जब बेच दिया एक दिन के अंदर, एक दिन की सेल है ये, एक दिन की सेल है टोटल 2,000 रुपये की, अब इसमें क्या क्या बिका मुझे क्या पता, आटा दाल चीनी शैम्पू तेल 5 रुपये का तेल, ऐसे एंट्री होगी 5 रुपये का तेल, 2 रुपये की अगरबत्ती, 1 रुपये की धूपत्ती, ऐसे एंट्री नहीं होगी, टोटल सेल कितनी हुई एक दिन में, तो कैसे लिखेंगे सर दुकान से माल बिकेंगे, तो पहले हाँ देखो पहले मैं समझा रहा हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ, जब भी समझ में आएगा लिखिए, ट्रांजेक्शन्स फॉर माल बेचा, देखिए ध्यान से देखो बच्चों, ये है माल बेच रहा हूँ, ये दुकान है मेरी, अब ज्यादा कहानी नहीं, अब आप समझ गए तुम, हाँ जब मैं माल बेचूंगा तो क्या आएगा सर जी, कैश आएगा ठीक है, और क्या जाएगा सर जी, माल जाएगा गोज आउट, आया कैश कौन सा अकाउंट है रियल, और ये कौन सा अकाउंट है मैंने बताया था, यहां कंफ्यूजन है, यहां पर मैंने ये, आप इसे रियल मान लो फिलहाल, आप फिलहाल रियल मान लो, जबकि परचेज कौन सेल कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, सेल कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, पेपर में आ जाए सेल कौन सा अकाउंट है नॉमिनल लिख के आना, लेकिन यहां पर मैं देखो मैं क्या लिख रहा हूं, माल जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, कम हो रहा है, ये क्लियर ऐसा भी क्लियरिटी कहां आएगी मॉडर्न अप्रोच में, इस दोष को कहां खत्म किया मॉडर्न अप्रोच में बताऊंगा, रुक जाओ अभी कंफ्यूज आ जाओगे, सब बता दूंगा एक साथ को, कहीं के भी नहीं रहोगे आराम से, तो अभी दिमाग में इतना रखना है, माल बेचूंगा पैसा आएगा दुकान में, ये बिजनेस में क्या होगा सर, माल बेचूंगा पैसा आएगा और क्या जाएगा सर जी, माल जाएगा,
कैश कौन सा काउंटर रियल और गुड्स कौन सा काउंटर रियल, आप ऐसे समझो। क्या आपको ये एग्जाम में दिखाना है क्या, मास्टर को दिखाना है क्या? नहीं सर जी, हमें कुछ समझना, बस कुछ समझ ले बस। क्या ये सब बता, क्या पेपर में ये सब बताएगा तू? क्या ये सब बताएगा, क्या ये सब बताएगा पेपर में मास्टर को? नहीं, कुछ नहीं पूछेगा, बस जैसे क्या कहेगा, गुड्स परचेज फॉर कैश 2000 रुपए बस, और इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बस वो बताना बस तेरे को, बस तेरे को ये तो समझा रहा हूं। सर जी पैसा आएगा माल बेचने को, गल्ले में क्या आएगा पैसा, दुकान में क्या आएगा पैसा, और दुकान से क्या जाएगा माल, पैसा आया माल गया, पैसा आया डेबिट, मैंने बताया था जब भी कैश आए डेबिट और कैश जाए क्रेडिट। अभी लिखा दूंगा, अभी लिखा दूंगा, दो मिनट रुक, पहले एंट्री पूरी कर, तो उसे क्या करूंगा क्रेडिट, तो डेबिट क्या करूंगा कैश, लिख 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 कैश अकाउंट डेबिट, क्या गया माल, क्या लिखूंगा सेल्स, लिखो 2000 रुपए, बी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, नगद माल बेचा बस। एग्जाम में बेटा ये बनानी है बस, एग्जाम में क्या आएगा सर, जी आएगा इतनी आएगी एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर क्या है 2000 रुपए, ये एंट्री बनानी है सर। ये करना है क्या सर, ये करना है क्या? नहीं नहीं सर, ये करना है क्या, ये करना है क्या? नहीं, कुछ नहीं करना, ये सब समझाया तेरे को, समझाया, देख इसमें क्या कौन कौन से आस्पेक्ट है, कौन आस्पेक्ट मतलब पहलू, किस चीज पे प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, माल बेचेगा तो क्या होगा, माल जाएगा पैसा आएगा, देख कैश और सेल्स, कैश और सेल्स, कैश कौन सा अकाउंट है देख, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं तू देख, सेल्स कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, पेपर में ऐसे लिखेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, आप ऐसे समझ ले नॉमिनल अकाउंट मांग कर, हाँ जी मैं नॉमिनल अकाउंट मांग कर रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, इनकम है, क्या है इनकम, सेल्स क्या है इनकम, इनकम को क्रेडिट कर दे, क्रेडिट और इनकम देखो वही बना रहा है, गुड्स गोज आउट माल जा रहा है, क्रेडिट कर दो माल जा रहा है, सेल्स मेरी क्या हुई इनकम हुई, वो इस तरह से ऐसे मानते हैं वो, सेल्स क्या रेवेन्यू है, ट्रेडिशनल अप्रोच में सेल्स क्या है रेवेन्यू है, इनकम है, वो इनकम मानते हैं वो बस। तो इनकम में कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, देखो तो सेल्स क्या है इनकम है, देखो आप ऐसे मान लो, लो इनकम को क्रेडिट कर दिया, हर चीज का जवाब है मेरे पास, सेल्स को आपने इनकम मान लिया, समझ में आ रही बच्चों, इनकम को क्या करते हैं क्रेडिट, इनकम को क्या करते हैं क्रेडिट। तो बच्चों एक बात नोट कर लो, एक बात नोट कर लो बच्चों, हमेशा याद रखना मेरी बात को, क्या हालांकि मैंने लिखा रखा है बच्चों, हाँ लिखा रखा है, हाँ लिखो लिखा हो लिखा बच्चों, कैश आया, कैश आया, आया मतलब कम्स इन, कैश आया तो कैश को क्या करूंगा, ऑलवेज कैश अकाउंट डेबिट, ऑलवेज लिख ले ऑलवेज, और कैश गया कैश गोज आउट, गया मतलब कम्स इन
हाँ तो ये मीडियम में समझ नहीं आया था, और ये गोज आउट गया, गो गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश को क्या करूंगा क्रेडिट, ये बात याद रख ले, अपने जहन में बसा ले मेरे बच्चे, अपने जहन में बसा ले मेरे बच्चे। चलिए कहां पहुंच गए, हो क्या था, चौथी हो गई, तीसरी मैंने क्या कराई थी देखूंगा, अच्छा अब मशीन बेच रहे हैं, ठीक है मां मशीन खरीदी थी अब मशीन खराब हो गई बेच रहे हैं, कैश सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, अब हम मशीन बेच रहे हैं, जो दुकान मशीन में क्या थी जो मशीन दे के आए थे ना अब बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, संपत्ति को बेच रहे हैं। तो एक बार बताओ टू मेन एस्पेक्ट, इसमें मेन एस्पेक्ट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, आप ऐसे समझ लो बिंदु, सर जी कैश और मशीन, इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी चीज प्रभावित हो रही हैं, हिंदी में समझ ले मुख्य बिंदु क्या है इसके, सर कैश और मशीन, मशीन बेचूंगा तो सर जी क्या आएगा कैश, तू ऐसे समझ, हाँ सर जी ऐसा समझा, सर जी ऐसा समझ आ रहा, सर जी जैसे समझा आप, हाँ 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 ऐसे नहीं बेटा कोई बात नहीं, मेरे नन्हे मन्ने बच्चे तू जैसे मर्जी समझ ले राजीव जैन से, राजीव जैन से जैसे मर्जी समझ ले, गुरु जी हैं तेरे, शक मत करियो मेरी काबिलियत पे, 10,000 सीए एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर ने बना के भेज दिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूसी फर्गूसन ये सीए फर में बहुत बड़ी बड़ी जो टॉप 10 में आती हैं, वहां से यहां तक पढ़ के गए एक्सपर्ट से, ठीक है मशीन बेच रहे हैं, ये आपका बिजनेस है, आप मशीन बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सर जी मशीन बेच रहा हूं, सर जी मशीन बेच रहा हूं, क्या हो रहा है मशीन बेचूंगा तो, सर जी मशीन जाएगी दुकान से क्या होगा, सर जी दुकान से मशीन जा रही है, सर जी दुकान से क्या हो रहा है, सर जी दुकान से मशीन जा रही है, सर जी मशीन जा रही है, मशीन जाएगी ना, कबाड़ी वे कबाड़ी कबाड़ी आया, तोड़ा ताड़ी करी भरा रिक्शा और चल दिया, तो दुकान से चक क्या गई मशीन, कबाड़ी क्या दे गया पैसा, कबाड़ी क्या दे गया पैसा, सर जी कैश दे गया, कैश कौन सा अकाउंट है, मशीन कौन सा अकाउंट है, सर जी रियल अकाउंट के रूल लगेंगे, रियल अकाउंट क्या हिंदी में समझा दूं, हाँ हिंदी में क्या बताया था, जब कोई वस्तु या संपत्ति अपने पास अपने व्यवसाय में आती है तो उस खाते को डेबिट किया जाता है, तो व्यवसाय में क्या आ रहा है कैश, क्या है संपत्ति आ रही है डेबिट, और जब कोई वस्तु या संपत्ति अपने पास से अपने व्यवसाय से जाती है, व्यवसाय मतलब बिजनेस से जाती है, तो उस खाते को क्रेडिट किया जाता है, हम क्रेडिट को कैसे लिखेंगे टू, तो सर जी कैश आ रहा है, सर जी कैश आ रहा है तो कैश को क्या करूंगा, सर जी डेबिट करूंगा, सर जी क्या जा रही है, सर जी मशीन जा रही है, सर जी मशीन जा रही है, मशीन को क्या करूंगा, सर जी क्रेडिट करूंगा, सर जी क्रेडिट कर, कितने रुपए की कबाड़ी क्या दे रहा है पैसा, कितना दे रहा है 80,000 रुपये, और कितने की मशीन जा रही है 80,000 की बीन मशीनरी सोल्ड, नरेशन कायम लिखना है ब्रीफ में लिखना है, अपने शब्दों में लिख दो वो मत उतारो कि वो उतार दिया, मशीन बेची, सिर्फ इसको देख करके पता लग जाता है, नरेशन को देख कर ये पता लग जाता है कि ये एंट्री किसकी बनी है, बाकी इसके कोई नंबर संबर नहीं होते, इसके कोई नंबर नहीं होते, हाँ जी सीए के एग्जाम में क्लियर लिख देता है, नरेशन आर नॉट नेसेसरी,
नरेशन आवश्यक नहीं है, सीए में फाइनल में मना कर देता है। सीए फाइनल भी एंट्री आती है? हाँ सर। सर आप सीए फाइनल में चौक पाते हो? हाँ सर। सीए इंटर? भाई बहुत, अभी दिल्ली बहुत दूर है बेटा, अभी कुछ नहीं है, जब भी तो सिखा रहा हूँ तेरे को एक बारी की। सर सीए फाइनल में भी एंट्री आती है? हाँ आती है। वहाँ पर नरेशन नहीं लिखवाएगा, बाकी का डेबिट और क्रेडिट तो कराएगा, हाँ वो तो कराएगा, नरेशन नहीं लिखवाएगा। तो इसलिए अभी दिल्ली तेरे लिए बहुत दूर है, अभी 11वीं करेगा, फिर 12वीं करेगा, अगर अगली साल से तो 9th में आ जाएगी अकाउंट। सर 9th से आ रही है? हाँ सर। तो अकाउंट इजी थोड़ी ना, अगर अकाउंट इजी होती तो 9th से क्यों लगा रहे होते, बस दिमाग लगाना। अगर अकाउंट इजी होती तो 9th से क्यों लगा रहे होते? मैंने तो 6th से पढ़ी रखी है। हाँ जी, हमारे यहाँ श्री गणेश इंटर कॉलेज में यूपी के अंदर 6th से पढ़ रखी मैंने, अब कोई बच्चा मानता ही नहीं। दिल्ली में 11वीं से, लेकिन यूपी में हर जगह नहीं है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज है वहाँ पर है, बहुत बड़ा नामी कॉलेज है वहाँ पर है, और 6th से देते हैं, वही चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं। सोचो आप, मैंने पढ़ रखी है तो वो शिक्षा पद्धति अब लेके आ रहे हैं, बताओ पुरानी वाली। मैं 6th पढ़ रखी है अकाउंट, नहीं तो आगे मार्कशीट देखी 6th की, तो बच्चे से दिमाग में आ रही होगी, नहीं ऐसा कोई चीज भी झूठ बोल रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूँगा बेटा, मुझे कुछ मिल रहा है, झूठ कब बोलना चाहिए? जहाँ किसी की जान बच रही हो, या किसी जहाँ झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा हो, बेफालतू में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, विश्वास का गुरु जी पे। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये सीए फाइनल में वहाँ पर लिख देता है नरेशन ही नॉट नेसेसरी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं, 10-10 पेज में आंसर आता है, तो वहाँ पर जनरल एंट्री नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है, सॉरी नरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये डेबिट कर दो और कैरेट कर दो और खत्म। वो कहते हैं डेबिट कैरेट कर दो, हमारे समझ में आ गया तू क्या कहना चाहता है। एंट्री तेरी सही है, एंट्री तेरी ये चीज देखी जाएगी, कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट, बस तेरे एग्जाम में ये आंसर है मेन, समझ में आ रही। यही सी फाइनल में देखा जाएगा, यही सी इंटर में, यही तेरे बी कॉम में, और यही तेरे एम कॉम में, सब में एंट्री। हाँ जी सही, सब में है क्या? हाँ जी। तू टेंशन क्यों ले रहा है, सब सिखा दूंगा, चल हो गया बेटा, अब ये पढ़ लेगा ये कहानी, अब मैं समझाऊंगा नहीं, तू पढ़ लियो अब। ठीक है बच्चों, ये सब मैंने लिख दिया, कैश वो देख रिजल्ट, देख रिजल्ट, कैश इज कमिंग सो डेबिट, कैश आ रहा है इसलिए डेबिट कर दिया, मशीन जा रही है सो इसलिए क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, नोट, अब देखो नोट लीजिए मैंने, बी यूज परचेज और सेल ओनली फॉर गुड्स नॉट फॉर असेस्ड, कह रहा है परचेज और सेल में यूज करेंगे, क्या परचेज और सेल, जब हम कह रहा है वी यूज परचेज और सेल ओनली फॉर गुड्स, जब हम माल को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं जब ही यूज करेंगे परचेज को और सेल को। अगर कोई असेस बेची है, अगर कोई संपत्ति बेची है तो वहां यूज नहीं करेंगे, वहां पर क्या यूज करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। मशीन बेची तो मशीन का नाम लिख दिया, फर्नीचर बेचते तो एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एसी बेच दिया, जब एसी खरीदा था तो क्या आया, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश, अब एसी बेच रहे हो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एसी। हाँ सब सही कह रहे हो, हाँ तो कह रहा है नॉट फॉर असेस, कह रहा है परचेज और सेल को, जब हम माल कह रहा है वी यूज परचेज और सेल ओनली फॉर गुड्स, जब हम माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं जब यूज करेंगे परचेज सेल का, नॉट फॉर असेस्ड, समझ में आ रही है, असेस के लिए यूज नहीं करेंगे। असेस के लिए अगर आप असेस बेच रहे हो और खरीद रहे हो तो उसके लिए आप परचेज सेल नहीं लो यूज कर सकते, बात दोबारा समझ लो। अगर आपने कोई असेस खरीदी है तो उस असेस का नाम लिखेंगे, अगर आप अपने असेस बेची है तो उस असेस का नाम लिखेंगे, ध्यान रखना। जब आपने फ्रिज खरीदा, फ्रिज डेबिट टू कैश, अब फर्नीचर बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर गया कैश आया, बस सर इतनी सी बात है। हाँ सर समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट एंट्री बड़ी 6, पेड कैश टू मोहन। तो चलिए बच्चों, पेड कैश टू मोहन 40,000 रुपये, मतलब मोहन को भुगतान किया, मोहन को भुगतान किया, अब दिमाग लगाना है मेरे को, मोहन को भुगतान किया,
कैश को पाने वाला कौन? मोहन। क्या गया? कैश। तू बिजनेस का अपने आप को अकाउंटेंट मान ले। मैंने तेरे को बताया था, देख ट्रांजेक्शन नंबर 6 डाल, ठीक है? ये तेरी दुकान है, आपको दुकान के अकाउंट बनेंगे, तो दुकान के जैसे सोचना तेरे को, ये तेरा बिजनेस है, ठीक है? अब देख क्या हो रहा है लेन देन, तुझे दुकान के बारे में सोचना बस। तू अब दुकान के अकाउंट लिख रहा है, पेड कैश टू मोहन, मोहन को भुगतान किया, कितना किया? 40,000 रुपये। एक बार तू पैसा देगा, तू पैसा देगा तो तेरे पास से क्या होगा? सर जी कैश जाएगा। किसके पास जाएगा सर जी? किसके पास जाएगा सर जी? मोहन के पास जाएगा। ये कौन है? मोहन। ये कौन है? मोहन, ठीक है? ये मोहन है, लो जी लो, ये मोहन है। मोहन कौन सा अकाउंट है? व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, पैसे को पाने वाला है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल तो आपको याद करने पड़ेंगे। रिसीवर कौन है? कैश को पाने वाला कौन है? मोहन। क्या गया? कैश। कौन सा अकाउंट है? रियल। डेबिट व्हाट? कम्स इन, क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। क्या गया? कैश। जो गया उसे क्रेडिट। डेबिट किसे करूंगा? मोहन को। मोहन कौन है सर जी? रिसीवर है, पाने वाला है। मोहन कौन है? पाने वाला। पाने वाले को क्या करूंगा? डेबिट। अगर आप मोहन के अगर नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, ठीक है, एक बार ध्यान रखो। अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना? 40,000। अमाउंट कितना? 40,000, ठीक है बच्चों। क्या गया? कैश। टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, बताया था मैंने आपको। 40,000 मतलब जितना तू डेबिट करेगा उतना ही क्रेडिट करेगा। बी कैश पेड टू मोहन, मोहन को कैश का भुगतान किया। सर जी ये क्या है? सर जी ये जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री है। कैश को भुगतान किया, किसे किया? मोहन को। मोहन कौन? रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है? मोहन। मोहन को डेबिट कर दिया, देखो क्या गया? कैश। कैश कौन सा अकाउंट? रियल। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। क्या जा रहा है? कैश। मैंने बताया था कैश, बताया था मैंने, कहां बताया था? कैश आएगा तो डेबिट और कैश जाएगा तो क्रेडिट। बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्या करूंगा? क्रेडिट। तो देखो क्रेडिट कर दिया, देखे अब देखो मैं समझा दिया, देखो ये सब समझा भी दिया। कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं? एस्पेक्ट, मेन एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? देयर आर टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, मोहन अकाउंट और कैश अकाउंट। मोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? मोहन व्यक्ति है, मोहन क्या है? व्यक्ति। पर्सनल अकाउंट का रूल दिखाई दे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चेक करो कैश इज कौन सा अकाउंट है? रियल। रियल का रूल क्या है? डेबिट वाट कम से, क्रेडिट वाट गो जाओ। देख रहे बच्चों कितनी मेहनत की जाती है आपके लिए, हैं? अब क्या होगा? रिजल्ट क्या आया? मोहन कौन है? रिसीवर। मोहन कौन है? रिसीवर, पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट। कैश इज गोज आउट, तो कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट। सो इसलिए मैं कैश को क्या करूंगा? क्रेडिट। चलिए सेवन देखिए, सेवन देखिए बच्चों, सेवन देखिए, सेवन देखिए, कह रहा है आज लास्ट करा दूंगा, सात आज लास्ट करा दूंगा सर। चलिए कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, अब पैसा मिल रहा है, अब सुरेश से पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो देर आर टू मेन एस्पेक्ट, कैश और सुरेश।
कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सुरेश कौन सा अकाउंट है पर्सनल, रूल क्या लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देख रहे बेटा हर एक में रूल लिख रहा हूं मैं, देख रहे तो सर, इसी को बोलते मेहनत। ये नहीं है कि बच्चों को पैसे पागल बना दिया। हाँ जी अभी देखना बेटा, अभी कुछ भी नहीं समझाया मैंने बेटा, मेरे बच्चे अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ तेरा अकाउंट देखता जा तू, अभी तूने राजीव का अकाउंट देखा ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीज कहता हूं बच्चा सोचने पर मजबूर करता है, क्या कह रहे हो गुरुजी? हाँ जी एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर की गुडविल ऐसे ही नहीं है, अब तो एक्सपर्ट पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गया। गूगल अकाउंट बाई राजीव जैन सर्च कर, अकाउंट बाई राजीव गूगल पर देख, चेक कर यूट्यूब पे आ जाएगा, अब तो पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है। अब तक इस एरिया का बच्चा पढ़ता था गोंडा, यमुना विहार, शिव विहार, गंगा विहार, टोनका सिटी, ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी, उस्मानपुर, शास्त्री पार्क, चांदबाग, जाफराबाद, गोंडा चौक, मौजपुर, यहां तक के बच्चे आते थे और ये सात पुस्तक आते थे। अब एक्सपर्ट पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गया, गूगल तो पूरे जैसी तू सर्च करेगा अकाउंट बाई राजीव जैन तो सर जी सबको देख के पढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी सर ये है क्वालिटी एक्सपर्ट की, ऐसे ही नाम नहीं है राजीव जैन, ए बिग नेम इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में ऐसी महारत हासिल नहीं कर रखी बच्चों, देखना क्या पढ़ाया जाएगा आपको। अभी क्या बताऊं मैं, कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश से कैश मिला, सर जी कैश आएगा पैसा मिला, मैं पहले समझाता हूं, पहले मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा, पहले मैं बच्चों अपने शब्दों में समझाऊंगा, जब भी समझ में आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 7 देखिए, यह आपकी दुकान है, यह आपकी दुकान है, यह बिजनेस है, ये शोरूम है मेरा कपड़े का एक्सपर्ट क्लॉथ हाउस, बहुत बड़ा शोरूम है। अब मुझे पैसा मिल रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, पैसा मिल रहा है सुरेश से, पैसा आ रहा है दुकान में, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है, किससे आ रहा है बच्चों? सर जी सुरेश से आ रहा है, सुरेश से आ रहा है। ये कौन है? सर जी सुरेश है, ये सुरेश है, ये सुरेश है, ये गिवर है, ये गिवर है, ये गिवर है, ये सुरेश है, ये सुरेश है, पैसे को देने वाला है, गिवर मतलब देने वाला। सुरेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। तो यहां पर दो अकाउंट प्रभावित होंगे, तो रियल अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट। तो एक ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट भी प्रभावित हो सकता है, एक अकाउंट भी प्रभावित हो सकता है, दो अकाउंट भी प्रभावित हो सकते हैं और तीन भी आएंगे। सर तीन भी आएंगे? हाँ जी तीन भी आएंगे। अच्छा सर जी देखते जाओ, हाँ आराम आराम से, ठंड ठंड। तो सर जी कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। तो कैश को क्या करूंगा सर जी? सर जी कैश को डेबिट करूंगा। तो सर जी कैश को डेबिट करूंगा, लो जी हो गया डेबिट, लो जी हो गया डेबिट। कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? 2000 रुपये, 2000 रुपये, ठीक है। और क्या गया, क्या गया? पैसे देने वाला कौन है? सॉरी सुरेश गिवर है। पैसा किससे आ रहा बेटा? बेटा पैसा किससे आ रहा है? एरो देखो, एरो देखो, एरो देखो, सुरेश दे रहा है। ये सुरेश है, व्यक्ति है सर जी, व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते। मैंने हिंदी में भी लिखाया था, बच्चे कह रहे होंगे जब मैं दिखा रहा था, गुरु जी हिंदी में पढ़ा रहे, अब आ रहा है सर क्यों पढ़ा रहे? इसलिए जो मैं करा रहा हूं वो नोट कर, ये मत सोचे
बच्चा है ना, ग्यारहवीं में जब पहुंचता है ना तो वो उड़ रहा होता है, उड़ साथ में आसमान पे, वो सोचता है अरे मैं तो बस मैं हूं नरेंद्र मोदी, हाँ ग्यारहवीं में पहुंचा हूं। हाँ तो उड़ मत, अभी उड़ाऊंगा उड़ाऊंगा 100% उड़ाऊंगा आराम से, जो मैं कह रहा हूं बस नोट कर रिवाइज कर, नोट कर रिवाइज कर, अकाउंट का मास्टर पीस मार दूंगा, 12वीं के बाद 1,00,000 रुपए का आदमी बन जाएगा, कहीं भी अकाउंट की नौकरी कर लियो। तो ठीक है, गिवर है, देने वाला कौन है, सुरेश, देने वाले को क्या करूंगा, क्रेडिट, और हम क्रेडिट कैसे लेते हैं, टू, तो टू टू सुरेश बेटा जी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगाते। सर जी मैं तो लगाऊंगा, लगाएगा तेरा मन कर रहा है, हाँ सर मैं लगाऊंगा, चल तू जिद पूरी कर ले अपनी आज, आज ही मैं जिद पूरी करा दूंगा, ले लगा ले, ले अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट, अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट, सुरेश का खाता, क्या बोलूंगा हिंदी में, सुरेश का खाता, अगर तेरे को अकाउंट लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा और फिर लिखा, क्या जरूरत है सब फालतू काम करने की, हैं तेरे मास्टर को नहीं पता हो तो, मुझे तो पता है कि अकाउंट के आगे भी नाम लगा सकते हैं, लगाओगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और तेरे नाम के आगे तूने लगा के आ गया और तेरे मास्टर को पता नहीं है तो वो काट देगा ना, तो मास्टर स्कूल के ऐसे होते हैं, एम ए बस एम ए कर ली, स्कूल के पीछे कॉपी नौकरी लग गई, जो हम सिखा रहे हैं वो ठीक, अगर लगा नहीं है तो लगा दे, लिख बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आगे बाद में सिखाऊंगा, नमस्ते गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए रहिए और रिवाज करते रहिए, और राजीव जैन अकाउंट बाई राजीव जैन चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अगर मजा आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी बोलो, पड़ोसी को भी बोलो, सारे रिश्तेदारों को दूर दूर तक, अब जरूरी नहीं है ऑफलाइन में ही आ हुए एक्सपर्ट में ब्रह्मपुरी में पढ़ना है, अब तो बोल दो चाचा का लड़का अमरीका में रहता है, राजीव जैन से सीख लो अकाउंट, बस क्या करना है तेरे को, ऐप डाउनलोड करेगा पढ़ेगा आराम से, ये फायदा है बस ऑनलाइन में, अब तो तेरा चाचा का लगा ताऊ का लगा या तेरी बहन सही ऑस्ट्रेलिया में रहती है, ये क्या कैसे पढ़ेगा, ऐप डाउनलोड करा, ऐप डाउनलोड करा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, बस वो भी पढ़ेगी, तू भी पढ़, तू भी बन सीए, तेरी बहन ही बनेगी सीए, ये फायदा है, ठीक है बच्चों, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को मित्रों को सहेली को सबको सब्सक्राइब कराइए और कमेंट कराइए, थैंक यू, बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में अपनी।